subscribe now and press the bell icon. Never miss an up. हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वारले यानी जौ। जौ का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो वो होता है हार्डियम वुल्गेयर। ठीक, इसकी फैमिली क्या होती है? ग्रेमनिया पोएसी, ग्रेमनिया पोएसी। फिर आपका आता है गुणसूत्र संख्या 2n=14। ओरिजिन प्लेस यानी उत्पत्ति स्थान इसका क्या है? साउथ ईस्ट एशिया। प्रोटीन इसमें कितना प्रतिशत पाया जाता है? जौ में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? तो है 11.6%। कार्बोहाइड्रेट कितने पाए जाते हैं? 70% यानी 70%। ठीक, सोइंग टाइम, सोइंग टाइम इसका क्या है? 15 अक्टूबर से 15 नवंबर इसका सोइंग टाइम है। फिर आपका आता है स्पेसिंग। स्पेसिंग आपका इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है, इस जौ में पाया जाने वाला प्रोटीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है हार्डेन प्रोटीन। हार्डेन, हार्डेन प्रोटीन। ठीक, फिर स्पेसिंग आपका 22.5 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट। ठीक, सीड रेट इसका है 70 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक, इरिगेशन इसका कौन सा स्टेज है? तो है टिलरिंग स्टेज, टिलरिंग स्टेज 30 से 35 डे आफ्टर सोइंग, 30 से 35 दिन बोने के पश्चात। ठीक, तो प्रजातियां हैं जौ की, ये छिलका रहित है, छिलका रहित प्रजातियां। पहली प्रजाति है डोरमा, दूसरी करण 18 और तीसरी गीतांजलि। फिर आपका आता है रोग, जौ में लगने वाला रोग। जौ में एक इम्पॉर्टेंट डिजीज जो लगती है वो है मोल्या डिजीज। मोल्या डिजीज किसके द्वारा होती, मतलब क्रिएट होता है? वो है नेमेटोड, नेमेटोड यानी सूत्रकृमि के द्वारा ये डिजीज क्रिएट होती है। ठीक, जौ की कल्टीवेशन आपकी फिनिश हो गई। इससे बस इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी कैटेट या अन्य एग्रीकल्चरल एग्जामिनेशन में। ठीक, थैंक यू क्लास।